हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एनएन स्पोर्ट्स, मैं हूं रवि। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का कहर अभी भी कम नहीं हुआ है, लेकिन इस बीच जिंदगी अपनी ट्रैक पर लौटती हुई नजर आ रही है। पिछले दो महीने से पूरी दुनिया में कहीं भी क्रिकेट नहीं खेला गया है, लेकिन शायद ऐसी संभावनाएं बने कि अब क्रिकेट दोबारा मैदान में लौट सकता है। हालांकि भारत में इसकी संभावनाएं अभी भी बहुत कम नजर आ रही है, लेकिन अगर क्रिकेट दोबारा शुरू होता है तो ये किन दो देशों के बीच खेला जाएगा और पहला इंटरनेशनल मैच कहां खेला जाएगा, चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो भी क्रिकेट फैंस को अभी कम से कम एक महीने और कोई इंटरनेशनल मैच देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कोरोना वायरस के बाद जुलाई में एक बार फिर क्रिकेट की वापसी होते हुए नजर आ सकती है। और ये मैच ना तो वनडे होगा और ना ही टी20 मैच, बल्कि ये टेस्ट मैच होगा। यानी अगर मैच शुरू हुआ तो लगातार 5 दिनों तक लगातार मैच होते हुए हम देख पाएंगे। जी हाँ, तो जुलाई में टेस्ट क्रिकेट के जरिए ही क्रिकेट की वापसी हो सकती है। तो हम आपको बताते हैं कि कौन सी वो दो कंट्रीज हैं जो इस टेस्ट मैच को खेलेंगी, इस टेस्ट सीरीज को खेलेंगी और ये टेस्ट सीरीज कहां पर खेली जाएगी। अब तक की जो जानकारी सामने आई है उससे यही पता चल रहा है कि जून जुलाई में वेस्टइंडीज की टीम इंग्लैंड का दौरा करेगी। इस दौरान इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी। बताया जा रहा है कि इस दौरे में वेस्टइंडीज के कुल 25 खिलाड़ी इंग्लैंड जाएंगे। 10 खिलाड़ियों को रिजर्व के तौर पर टीम में शामिल किया जाएगा। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट मैच 8 जुलाई से खेला जाएगा। हालांकि इससे पहले इस बार लंबी कवायद की जाएगी। वेस्टइंडीज की टीम जब इंग्लैंड के लिए रवाना होगी उससे पहले जाने वाले सभी खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ का कोरोना वायरस टेस्ट होगा। चेक किया जाएगा कि कोई भी सदस्य बीमार तो नहीं है। सब कुछ ठीक होने के बाद ही टीम इंग्लैंड के लिए रवाना होगी। वहीं टीम जब इंग्लैंड पहुंच जाएगी तो उसके बाद सभी खिलाड़ियों को एकांतवास या क्वारंटाइन में रखा जाएगा। वहीं आईसीसी ने कोरोना वायरस को देखते हुए क्रिकेट के नियमों में कई बदलाव कर दिए हैं। अगर उन पर तब तक मोहर लग जाती है तो नए नियमों के तहत ही पहला मैच खेला जाएगा। इस सीरीज के दौरान 3 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। जी हाँ, तो पहले तो ये सीरीज जून में खेली जानी थी, लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए और दुनिया भर में जो प्रतिबंध चल रहे हैं उनको देखते हुए सीरीज को जो है जुलाई में शिफ्ट कर दिया गया। अगर ये सीरीज होती है तो इसके बाद कौन कौन सी सीरीज है जो हो सकती है, जिनको की लाइनअप किया गया है, जो की फ्यूचर टूर प्रोग्राम का हिस्सा है, आइए उसके बारे में भी आपको बताते हैं। अगर वेस्टइंडीज का इंग्लैंड दौरा ठीक ठाक तरीके से सफलतापूर्वक हो जाता है तो फिर पाकिस्तान की टीम भी इंग्लैंड के दौरे पर जा सकती है। पाकिस्तान की ओर से भी इसके लिए हामी भर दी गई है। जब वेस्टइंडीज का दौरा खत्म हो जाएगा उसके बाद अगस्त में पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड के दौरे पर जाएगी। यहां ये भी ध्यान रखने की बात है कि पाकिस्तान टीम को भी सारे नियम और कानून मान्य होंगे, जिस तरह से वेस्टइंडीज की टीम इंग्लैंड का दौरा करेगी। तो जुलाई में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हो सकती है। अगर आपके भी कोई सवाल है या कोई सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी अपडेट सबसे पहले आपको एनएल स्पोर्ट्स पर मिलेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब स्पोर्ट्स चैनल एनएल स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं।